स्तान तमहीद इन चंद सत्रों का मकसद ना तफरीज है ना तनकीद बल्कि इसका मतलब है महज एक तमहीद आज इस बात की ज़रूरत नहीं है कि नाजरीन से सैयद सजात हैदर साहब की तकरीब की जाए सैयद साहब मौसूफ का नाम दिल दादगान फ़न अदब के लिए नया नाम नहीं मेरा मतलब सिर्फ़ इस कदर है कि इस मजमूे के इशात के मुतक़ चंद ज़रूरी बातें दर्ज कर दूँ ये तहरीरें मुख्तलिफ़ मौक़ों पर मुख्तलिफ़ रसालों में ज़्यादातर मख़ज़न में शाया होकर आम का शायद ये कहना दुरुस्त होगा कि कबूल ख़ास का तमगा हासिल कर चुकी है सैयद साहब मेरे हाल पर ख़ास फरमाया फरमाते हैं इस एहतसास की वजह से मैंने इसरार किया कि इन तहरीरों का रसालों में वक्ता फवका शाया होना और वो भी बसा अवकात बाहतियात इनके लिए काफ़ी इंसाफ नहीं है मैंने कई दफ़ा ये गुजारिश किया कि इन तहरीरों को एक मजमू की शक्ल दी जाए ताकि ख्याल की इन बोलती छालती तस्वीरों का एक मरक् मुरतब हो जाए और हाया लेला व मजनू जैसे दिलचस्प मजामी नाजरन तक दस्त व पाबरीदा हालत में ना पहुँचे मैं खुश हूँ कि मेरे मुतवा तकाजे ने आखिर असर किया और सैयद साहब ने यह मजमू छपवा दिया इस गए गुजरे ज़माने में भी उर्दू अदब के खैरानंदेशों और ख़ादमों की तादाद महमदल माकूल है और जिस किसी को भी इस मामले से कुछ दिलचस्पी है वो ये देख कर ज़रूर खुश होगा कि तर्ज़याल और अंदाज़ बयान के तोसी की कोशिशें मुख्तलि समतों में अली कदर मुरतब हो रही हैं मैं पुराने रंग का कदर शनास नहीं हूँ लेकिन उन लोगों को मैं ज़रूर उन लोगों में ज़रूर हूँ जो ये चाहते हैं कि नए नए तर्ज़ ख्याल नए नए अंदाज़ बयान ईजाद हों जिद्दत को बद्दत और वो भी बदत सया ना समझा जाए फितरी जज्बा जिनकी असलियत से आमा शुरा व मुसन्फ़ी दूर जा पड़ते हैं नजम व नसर में सच्चाई के साथ जाहिर हों लफी ठीप टाप को बजाय खुद मुद्दा ना बना लिया जाए अलरज़ हसन बयान न सिर्फ कायम ही रहे बल्कि तरक्की करे इस तरक्की में रंगारंगी और तनो को शामिल समझा जाए और साथ ही हसन ख्याल को हसन बयान की बुनियाद करार दिया जाए इन कोशों में सैद सजात भी शर्क हुए हैं शाहिद राना सुखन के शिदाओं में वो किसी से पीछे नहीं आगे ही है लेकिन वो आश भी है और मशाता भी वो असबाब हुसन यार के बढ़ाने में कहाँ तक कमयाब हुए हैं इसका जवाब उन हज़रा से पूछी है जो अहल नज़र और साहब तबीयत है उनके अंदाज़ बयान में कहीं कहीं तो अंग्रेजीत की झलक है और कहीं कहीं गालिबा तुर्की तर्ज़ बयान का चरबा है मगर दाद के काबिल ये बात है कि अंग्रेज़ी और तुर्की की तकलीमली तौर पर ईजाद का हुक्म रखती है क्योंकि वो गैर मानूस और नाखुशगवार नहीं होने पाती इसमें अनोखापन होता है मगर अजनबियत नहीं होती अलावा इसके इन तहरीरों में एक बड़ी बात यह है कि वो सिर्फ़ पुरमानी ही नहीं बल्कि मानी खेज हैं सिर्फ मानी खेज ही नहीं बल्कि ख्याल अंगेज़ हैं गोया ये ख़्यालात ही नहीं बल्कि ख्यालात के तखम भी हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि इस लिहाज से ख्यालिस्तान नाम नामोजु नाम नहीं है यह नाम मैंने ही तजवीज़ किया था और मैं खुश हूँ कि यह ख्यालिस्तान ख़यालिस्तान ही के नाम से शाया हो रहा है नरन